जय भोले शंकर जी की। सभी को सादर नमन। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह हाजिर हूँ आपके लिए मोटिवेशन से भरी हुई एक और कहानी लेके। दोस्तों, गुजरात में हमारा एक दोस्त है जो कि MNC कंपनी में इंजीनियर है, और जब भी वो पंजाब आता है ना तो उसकी 7-8 दिन की छुट्टी होती है और 8ों दिन उसी के साथ ही रहना पड़ता है। अभी हाल ही में पिछले साल उसने बैलिनो गाड़ी की डिमांड दी थी। तो जी, हमें एक दिन उसका फ़ोन आया, तो हम मॉर्निंग वॉक के लिए वो थोड़ा लेट निकले थे, तो मतलब 9:30 बजे तक हम बाहर ही थे। तो फ़ोन आया कि जी भाई कहाँ पे है, आ जा। तो भाई अगर ना जाएं तो तब भी बुरा लगता है कि दोस्त बुला रहा है हम ना जाएं। हमने जैसे कपड़े पहने थे वैसे ही चले गए। वैसे भी आप वीडियो में देखते हो हमारी दाढ़ी दूढ़ी यहाँ वहाँ रहती है। तो जी हम चले गए। तो जी जाते जाते रास्ते में हमारा एक और फ्रेंड है, वो डॉक्टर है। तो जी डॉक्टर साहब भी साथ में आ गए, तो हम चले गए जी नेक्सा के शोरूम में। तो जी वहाँ जाके क्या हुआ, जब जो नेक्सा का सेल्समैन था उसने उन दोनों मित्रों के साथ हैंडशेक किया। तीसरा मैं था, मेरे साथ उसने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया हैंडशेक करने का। तो भाई ना करे, मैंने क्या लेना है उससे, ये हमारी सोच है। तो उसके बाद जी उनकी डीलिंग चल पड़ी। सेल्समैन ने बताया कि जी गाड़ी थोड़ी लेट है, इस समय तो अवेलेबल नहीं है। तो जी वहाँ कोई 15 to 20 मिनट्स हम रुके, तो सेल्समैन भी पास में ही था, उन दोनों की बातों का रिस्पोंड कर रहा था। मैंने वैसे हमने कुछ वहाँ कहा भी नहीं, हमारा कोई वहाँ काम भी नहीं था, पर कुछ जब 3 बंदे बैठे हो तो हाँ में हाँ, तो किसी लाइन पे किसी बात पे तो मिलानी पड़ जाती है। तो क्या हो गया जी, उसने फिर हमारी बात का रिस्पोंड नहीं दिया। तो हमारा जो डॉक्टर दोस्त था उसको ये बात की, मतलब कि जैसे होता है ना दिल पे चुभ जाती है बात, उसके चुभ गई। तो फिर भी कुछ नहीं बोला। तो जब हम तीनों बाहर आने लगे तो फिर उसने, जो सेल्समैन था, उसने उन दोनों के साथ हैंडशेक किया। तो हम जाने लगे तो उसने कहा, भाई साहब हमारा फ्रेंड है, हुकुम्स ब्रांड है इनका, पूरे भारत बाहर भी अब्रॉड भी इनके डिज़ाइन जाते हैं, राजपूतों के डिज़ाइन। इनका नाम है लखविंदर सिंह राणा। तो ये सुन के सेल्समैन कहता, ओहो ठाकुर साहब। उसने हाथ बढ़ाया आगे, इतने में हम 2 पैर आगे थे। तो हमने ऐसे, जैसे आपको करते हैं ना जय शंकर, हमने जय शंकर कह के अपने दोस्तों को बोला, सैंडीवीर बाहर आ जा। मतलब हम भी पीछे नहीं गए, एटीट्यूड नहीं था, बस यही था कि जब तक बंदे की पहचान जाहिर ना हो तब तक वो गुमनाम है। बिना नाम के बंदे की कोई पहचान नहीं है, बिना काम के बंदे की कोई पहचान नहीं। सबसे पहले आज की दुनिया कपड़ों से जज करती है कि ये बंदा कौन है। मान लो कि हमने उस समय कपड़े अच्छे नहीं डाले थे, पर जहाँ पे कोई जाता है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पर जब उसको राजपूत नाम बताया मेरे फ्रेंड ने, तब उसका एक ही, जब जितने कुछ सेकंड लगे होंगे, 2, 3, 4, 5 बताने में कि ऐसे 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 भाई साहब हैं, तो उसने उसी टाइम हाथ आगे बढ़ा दिया, ओ हो ठाकुर साहब। यही तो दुनिया है, जब तक नाम ना बने तब तक बंदा जीरो है, जब तक नाम बन जाए जब, तब वो बंदा हीरो है। ये है दोस्तों। तो वही अपने छोटे भाइयों से कहते हैं कि भाई काम कोई ऐसा करिए कि जिनसे आपका नाम हो, कुछ भी हो राजपूताना का नाम बुलंद ही रखिए। जय भोले शंकर जी की।